गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई ये देखिए, सुबह का 7 बज रहा है और हम जा रहे हैं बाहर की ओर। तो बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं। गाइस देखिए, कड़ाके की ठंड है आज भी, रोज़ मौसम ख़राब हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, मॉर्निंग वॉक करने आए हुए हैं सभी लोग। ये देख सकते हैं आप, मॉर्निंग वॉक करने एक साथ इतने लोग जा रहे हैं। ये देखिए, कड़ाके की ठंड है, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो चलिए गाइस, मम्मी हेलो बोल दो। भाई हाँ, तो गाइस देखिए बाहर का व्यू, धूप नहीं आई हुई है और देख सकते हैं आप लोग, कोहरा लगा हुआ है। गाइस देखिए, ये देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। गाइस ये देखिए कितना प्यारा व्यू है चारों ओर का। चलिए चलते हैं और बनाते हैं आज का व्लॉग। न्यू ईयर और क्रिसमस डे का मेला था इसलिए फिर ख़त्म हो चुका है। अब 8 जनवरी से नया मेला लगेगा मकर संक्रांति का, उत्तरायणी कौतिक भी पहाड़ में जिसे हम कहते हैं। ये देखिए गाइस, ये है उत्थान मंच का मैदान और आगे है गोलजू का मंदिर। ये देखिए गाइस, ये है गोलजू का मंदिर। गोलजू के मंदिर के दर्शन कराता हूँ मैं भी आपको। चलिए गाइस, ये देखिए, ये है उत्थान मंच में स्थित गोलजू का मंदिर। देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है गाइस। ये देखिए, बहुत पुराना मंदिर है, काफी जाना माना। तो गाइस चलिए, ये देखिए गाइस, गोलजू मंदिर उत्थान मंच हल्द्वानी। तो चलिए गाइस आगे की तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए गोलजू भगवान का मंदिर। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखिए गाइस, अब मैं आ चुका हूँ हीरानगर मेन रोड की तरफ। आगे एक शिव जी का मंदिर है, शिव जी के दर्शन करते हैं गाइस। चलिए आपको भी कराते हैं महादेव के दर्शन। तो चलिए, तो ये देखिए गाइस, ये है शिव जी का मंदिर, दर्शन कराते हैं वहां से ही आपको। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं ठीक है पैदल घूमते हुए आपके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ। भाई ये देखिए, जेल रोड चौराहे से ऊपर की तरफ पहुँच चुका हूँ। ये वन विभाग का ऑफिस है तराई ईस्ट हल्द्वानी, डीएफओ तराई पूर्वी हल्द्वानी। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। भी गार्डन और यहाँ पर एक स्कूल है, होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, देख सकते हो होली एंजल। देखिए गाइस, पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर सांगड़ी गार्डन पर, यहाँ से बाहर का रास्ता गाइस। चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ मेन रोड में और सुबह का टाइम है इसलिए गाड़ियाँ कम दिख रही हैं। और ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत हल्द्वानी का, यहाँ पर देखिए फ्लावर वो लगा हुआ है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा है। ये देखिए पानी आ रहा है इसमें से लगातार चलता हुआ, कि आगे हम चौराहे पे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे हमें दर्शन कराते हैं आपको कालू साई मंदिर के। देखिए दूर से कितना प्यारा लग रहा है गाइस। गाइस आजकल जब धूप आती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि धूप की बहुत ज़रूरत होती है आजकल, है नहीं, बहुत ठंडा होता है। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे की ओर, धूप आ चुकी है हल्की फुल्की। देखिए ये है बद्रीपुरा रोड, यहाँ बद्रीपुरा की तरफ जाती है। ये देखिए पैदल पैदल चलते हैं। और ये है दोस्तों पीडब्ल्यूडी विभाग का ऑफिस, पीडब्ल्यूडी हल्द्वानी। तो चलिए गाइस, तो गाइस देखिए फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ स्टेडियम में। देखिए कितना भव्य बिल्डिंग है स्टेडियम की। तो चलिए एक चक्कर स्टेडियम भी घूम के आते हैं, स्टेडियम का व्यू आपको दिखाते हैं। पहले मैं स्टेडियम रनिंग करने बहुत आया करता था। तो चलिए चलते हैं स्टेडियम की ओर।
और दिखाते हैं आपको स्टेडियम का व्यू। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑफिस है जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्निवास का, देख सकते हैं उपनल का ऑफिस। ये देखिए यह है उपनल का ऑफिस। और आगे की ओर चलते हैं गाइस। देखिए गाइस यहाँ पर एक दूसरा ऑफिस है मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग का। ये देखिए गाइस यह स्टेडियम, आई थिंक यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए देख सकते हैं गाइस आप लोग। तो गाइस फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं कमिश्नर साहब के आवास पे, सर राजकीय आवास कमिश्नर साहब श्री दीपक रावत जी का आवास। देख सकते हैं आप लोग ये है गाइस, ये नहीं आगे वाला है, ये देखिए पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ पर लिखा भी है देखिए रेजिडेंस दीपक रावत IAS। दीपक रावत जी जो फेमस यूट्यूबर भी है IAS होने के साथ साथ, देखिए यहाँ पर उनका घर है। ये देखिए गाइस IAS दीपक रावत जी का राजकीय आवास। ये देखिए और यहाँ पर देखिए आजकल ही हाल ही में एक नया हॉस्पिटल खुला है गाइस। ये देखिए इसका नाम है 50 शैय्या युक्त आयुष चिकित्सालय खुला है यहाँ पर एक। देखिए कितना भव्य हॉस्पिटल है, देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है। ये देखिए गाइस आयुष चिकित्सालय के नाम से खुला हुआ है और बहुत ही विशाल बहुत ही बड़ा ये जो है हॉस्पिटल है, देख सकते हैं गाइस आप। तो दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए। जय हिंद जय भारत।